वैशाली जिला के लालगंज क्षेत्र में गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप घायल। हाजीपुर से चंद्रकांत पाठक की रिपोर्ट। वैशाली लालगंज थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को परिजनों ने उसे लालगंज रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद जख्मी को सदर अस्पताल हाजीपुर रेफर कर दिया गया। घायल युवक जलालपुर गाँव वार्ड नंबर 8 निवासी रत्न महतो का लड़का आदित्य कुमार है। वहीं घायलों के परिजनों ने बताया कि संजीत कुमार के घर के आदित्य गया हुआ था, वहीं गोली चली जिससे जांग में गोली लगने से घायल हो गया है। घटना के बाद से आरोपी संजीत फरार है। मामले में उसकी नवविवाहिता पत्नी गुड़िया कुमारी ने बताया कि वह घर में सो रही थी, तभी घर में गोली चलने की आवाज सुनकर वह उठ गई, जिसके बाद वह घायल के जख्म पर कपड़ा बांध दी। इस बीच आरोपी संजीत मौके से भाग निकला। घटना की सूचना मिलते ही सदर SDPO राघव दयाल घटना स्थल पर पहुँच कर के मामले की जाँच में जुट गयी। कौन था घर के बगल में? उसका नाम बताओ। संजीव। संजीव, तुम्हारा क्या नाम है? आदित्य। पिताजी का क्या नाम है? घर कहाँ हुआ? क्या उससे दोस्ती उसे कैसे पार्टी उठी कहीं चल रहा था क्या तब? घोड़े से जा रहे थे। कहाँ पर गोली लग चला? रोड पर खराब है। कौन रोड पर? हमारे गाँव का है, गढ़ा था। वहाँ से उठी के हमारा जान में आ गया। कितने लड़का से थे? कितने लड़का से थे? क्या क्या लड़का से थे? हम अकेले थे। बाबू ले गया था। क्या लड़का? दो तीन को था। अच्छा, तुम साथ थे? हम अलग। क्या नाम हुआ?